चारा घोटाला मामले के सबसे बड़े अवैध निकासी मामला डोरंडा कोषागार में राजस्व पीमो लालू प्रसाद यादव समेत 38 लोगों को दोषी करार दे दिया गया है। आपको बता दूं कि राजस्व पीमो लालू प्रसाद यादव पे आज फैसला आना था, फैसला आ चुका है। राजस्व पीमो को 5 साल की सजा दी गई है, वहीं 60 लाख जुर्माना भी देना पड़ेगा। आपको बता दूं कि जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल और तमाम जो नेता हैं उनका कहना है कि सीबीआई भाजपा के हाथ में है और भाजपा के नेतृत्व में सीबीआई काम करती है और सीबीआई पे हमें भरोसा नहीं है, हालांकि न्यायालय पे हमें भरोसा है। न्यायालय ने जो आदेश जारी किए हैं और जो सजा सुनाई है राजस्व पीमो के लिए वो हम मान्य करते हैं, लेकिन हम ऊपरी अदालत जाएंगे क्योंकि हमें ऊपरी अदालत से भरोसा है और हमें पता है कि वहां पर राजस्व पीमो को न्याय मिलेगा और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि राजस्व पीमो को 5 साल की सजा हो गई है। आपको बता दूं कि जेडीयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी राजस्व पीमो के सजा पर क्या कहा है, सुन लेते हैं। न्यायालय की निगरानी में चला जांच, माननीय लालू प्रसाद जी पहले से दोषी और सजा याफ्ता, राज्य के विभिन्न कोषागारों से चाहे वह झारखंड हो या बिहार हो अवैध रूप से राशि की निकासी किया तो स्वाभाविक के सजा तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सामाजिक न्याय का तथाकथित पाखंड संपत्ति सृजन जैसा गुनाह राजनीति में किया तो न्यायपालिका के द्वारा जो सजा दिया गया है वह न्यायिक क्षेत्र का मामला है, लेकिन भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि राजनीति धन सृजन का माध्यम नहीं है बल्कि राजनीति सामाजिक सेवा का मसला है। इसे न्यायपालिका ने जो भी सजा दिया है वह देश के संविधान के तहत जो न्यायपालिका को अधिकार प्राप्त है उसके तहत सजा मुकर्रर हुआ है। तो आपने सुना, सीधे तौर पे नीरज कुमार का कहना है कि जो जैसा करता है वैसा पाता है। राजस्व पीमो ने अवैध निकासी की है तो अब इस अवैध निकासी की सजा उन्हें मिल रही है, क्योंकि अगर वो अच्छे कर्म करते तो वो सजा नहीं पाते, लेकिन अब उनको सजा हुई है, 5 साल की सजा हुई है और न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो सभी को मान्य है, हम लोग सब मान्य कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अवैध निकासी है, ये 139 करोड़ की अवैध निकासी थी जिसमें लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है, उनका कहना था कि जो लोग भी अवैध निकासी करेंगे, जो लोग भी चारा की चोरी करेंगे या फिर अन्य चीज़ों में अवैध निकासी करेंगे उनको सजा होगी। नीतीश सरकार में सजा होती रही है और किसी को बचाया नहीं जाता है। अब राजस्व पीमो लालू प्रसाद यादव को भी सजा हुई है क्योंकि उन्होंने चारा घोटाला मामले के सबसे बड़े अवैध निकासी डोरंडा कोषागार के मुख्य अभियुक्त हैं और कोर्ट ने भी उन्हें 5 साल की सजा दे दी है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि हम ऊपरी अदालत जाएंगे, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कह दिया कि जस करनी वैसी भरनी। से जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा, अभी लेते हैं नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।